मैं डॉक्टर दीपक पद्मनाभन, असिस्टेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, जयदेवा हॉस्पिटल। बिल्कुल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब इस तरह की बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है तो वहाँ पर काफ़ी अनुभव वाले लोग होते हैं और उसी बीच नए जनरेशन के नए डॉक्टर्स भी होते हैं, तो कितना सीनियर रोल है यहाँ पे अनुभवी डॉक्टरों का मिलना नए युवा डॉक्टरों से होता है। युवा डॉक्टर अपनी एनर्जी ले आते हैं, अनुभवी डॉक्टर अपने एनर्जी को किस तरह से यूज़ करना है वो सिखाते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारा सीखना, सिखाना और पेशेंट के हित में जो काम करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इस चीज़ की बड़ी जानकारी मिलती है। कितनी ज़रूरी है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज? इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज बहुत ज़रूरी हैं ताकि आइडियाज़ एक्सचेंज हो, देश के विभिन्न विभिन्न भाग में जो लोग किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं पेशेंट हित में, उन सब प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल हम किस तरह से हमारे प्रैक्टिस में करवा सकते हैं, ये जानने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंसेस की बहुत ज़रूरत है। इस कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजी का कैसे होता है? टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया की गई थी इस कॉन्फ्रेंस में, और टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में किस तरह से इस्तेमाल करनी है इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी।